सुमन राम आज अपने घर में विराजमान हो गए हैं तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। इतना अच्छा लगेगा कि हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपको बता सकें कि हमारे पास हमको कितना अच्छा लग रहा है। और हम ये चाहते हैं जैसे भगवान राम का आज भव्य मंदिर है, ऐसे ही हमारे कृष्ण का भी भव्य मंदिर बने मथुरा में। इसी के लिए हमें गोपाल यहाँ लेकर आए हैं। आज वे अपने देखेंगे भगवान राम के जो रूप है, स्वरूप है उनके मंदिर का, ऐसा ही हमारे उसका बने भगवान कृष्ण का। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे कोई भी है, वो दोनों एक ही हैं। भगवान परमात्मा हैं, भगवान विष्णु के अंश हैं। हम लोग पुणे महाराष्ट्र से आए हो। आज प्रभु श्री राम का दर्शन करने जा रहे हैं क्या? जी आज तो कल ही दर्शन करने के लिए आए थे पर कल रोक दिया था, आज तो करके ही जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पे हम कल ही आ चुके थे पर थोड़ा बाउंड्री पे रुक गए थे। तो कैसा लग रहा है दर्शन? बस माहौल जय श्री राम, बजरंगबली की जय, हनुमान बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ कितनी यहाँ पे? भीड़ बहुत है यहाँ पे, बहुत भीड़ है पर भीड़ की चाहे हमें आज कुछ फिक्र नहीं है, हमें बस रामलला का दर्शन करने आज। पूरे परिवार के साथ है? जी पूरे परिवार के साथ है। बच्ची भी आई है? हाँ, एक साल की बच्ची है हमारी, उसी के चक्कर में हम यहाँ पे आए। बच्ची को भी राममय बना दिया और राम भक्ति है पहले से।